स्वर्ग राज्य उस द्वारचार के समान है जिसमें 10 कुंवारी युवतियां अपने अपने दीप लेकर द्वारचार के लिए निकली। उनमें से 5 तो मूर्ख थीं तथा 5 समझदार। मूर्ख युवतियों ने अपने साथ अपने दीप तो लिए किंतु तेल नहीं, परंतु समझदार युवतियों ने अपने दीपों के साथ तेल के बर्तन भी रख लिए। वर के पहुंचने में देर होने के कारण उन्हें नींद आने लगी और वे सो गईं। आधी रात को ये धूमधाम का शब्द सुनाई दिया, वर पहुंच रहा है, उससे भेंट के लिए बाहर आ जाओ। सभी युवतियां उठीं और अपने अपने दीप तैयार करने लगी। मूर्ख युवतियों ने समझदार युवतियों से विनती की, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, हमारे दीप बुझ जा रहे हैं। किंतु समझदार युवतियों ने उन्हें उत्तर दिया, हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए तो तेल पूरा नहीं होगा, भला तो ये होगा कि तुम जाकर व्यापारियों से अपने लिए तेल मोल ले लो। जब वे तेल लेने जा रही थीं कि वर आ पहुंचा और वे युवतियां जो तैयार थीं वर के साथ विवाह के भवन में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद वे अन्य युवतियां भी आ गईं और विनती करने लगी, श्रीमन हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। किंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, सच तो ये है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, इसलिए इसी प्रकार तुम भी हमेशा जागते तथा सचेत रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को। स्वर्ग राज्य उस व्यक्ति के समान भी है जो एक यात्रा के लिए तैयार था, जिसने हर एक सेवक को उसकी योग्यता के अनुरूप संपत्ति सौंप दी। एक को 5 सोने के सिक्के, एक को 2 तथा एक को 1। इसके बाद वो अपनी यात्रा पर चला गया। जिस सेवक को सोने के सिक्के दिए गए थे उसने तुरंत उस धन का व्यापार में लेन देन किया, जिससे उसने 5 सोने के सिक्के और कमाए। इसी प्रकार उस सेवक ने भी जिसे 2 सोने के सिक्के दिए गए थे 2 और कमाए। किंतु जिसे 1 सोने का सिक्का दिया गया था उसने जाकर भूमि में गड्ढा खोदा और अपने स्वामी की दी हुई वो संपत्ति वहां छिपा दी। बड़े दिनों के बाद उनके स्वामी ने लौटकर उनसे हिसाब लिया। जिसे 5 सोने के सिक्के दिए थे उसने अपने साथ 5 सोने के सिक्के और लाकर स्वामी से कहा, महोदय आपने मुझे 5 सोने के सिक्के दिए थे, ये देखिए मैंने इनसे 5 और कमाए हैं। स्वामी ने उससे कहा, बड़े अच्छे मेरे योग्य तथा विश्वसनीय सेवक, तुम थोड़े धन में विश्वसनीय पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें भी अनेक जिम्मेदारियां सौंपूंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। वो सेवक भी आया जिसे 2 सोने के सिक्के दिए गए थे। उसने स्वामी से कहा, महोदय आपने मुझे 2 सोने के सिक्के दिए थे, ये देखिए मैंने 2 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, बड़े अच्छे मेरे योग्य तथा विश्वसनीय सेवक, तुम थोड़े धन में विश्वसनीय पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपूंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। तब वो सेवक भी उपस्थित हुआ जिसे 1 सोने का सिक्का दिया गया था। उसने स्वामी से कहा, महोदय मैं जानता था कि आप एक कठोर व्यक्ति हैं, आप वहां से फसल काटते हैं जहां आपने बोया ही नहीं, तथा वहां से फसल इकट्ठा करते हैं जहां आपने बीज डाला ही नहीं, इसलिए भय के कारण मैंने आपकी दी हुई निधि भूमि में छिपा दी। देख लीजिए जो आपका था वो मैं आपको लौटा रहा हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, अरे ओ दुष्ट और आलसी सेवक, जब तू ये जानता ही था कि मैं वहाँ से फसल काटता हूँ जहाँ मैंने बोया ही ना था, तथा वहाँ से फसल इकट्ठा करता हूँ जहाँ मैंने बीज बोया ही नहीं, तब तो तुझे मेरी संपत्ति महाजनों के पास रख देनी थी कि मेरे लौटने पर मुझे मेरी संपत्ति ब्याज सहित प्राप्त हो जाती, इसलिए इसे ये सोने का सिक्का लेकर उसे दे दो जिसके पास अब 10 सोने के सिक्के हैं। ये इसलिए कि हर एक को जिसके पास है और दिया जाएगा और वो धनी हो जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो जहां हमेशा रोना और दांत पीसना होता रहेगा। जब मनुष्य के पुत्र का आगमन अपने प्रताप में होगा और सभी स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा और उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठा किए जाएंगे। वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से। वो भेड़ों को अपनी दाईं ओर स्थान देगा तथा बकरियों को अपनी बाईं ओर। तब राजा अपनी दाईं ओर के समूह की तरफ देखकर कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों,
उस राज्य के उत्तराधिकार को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए सृष्टि की स्थापना के समय से तैयार किया गया है। इसलिए कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ स्थान दिया, मुझे वस्त्रों की जरूरत थी तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं जब रोगी था तुम मुझे देखने आए, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे भेंट करने आए। तब धर्मी इसके उत्तर में कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा पाया और भोजन दिया, प्यासा देखा और पानी दिया, कब हमने आपको परदेशी पाया और आपको अपने यहाँ स्थान दिया, आपको वस्त्रों की जरूरत में पाया और वस्त्र दिए, हमने आपको कब रोगी या बंदी गृह में देखा और आपसे भेंट करने आए। राजा उन्हें उत्तर देगा, सच तो ये है कि जो कुछ तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक के लिए किया, यहाँ तक कि छोटे से छोटे के लिए भी, वो तुमने मेरे लिए किया। तब राजा अपने बाएं पक्ष के समूह से उन्मुख हो कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ शापितों, अनंत आग में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाने को ना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया, मैं परदेशी था तुमने अपने यहाँ मुझे स्थान ना दिया, मुझे वस्त्रों की जरूरत थी तुमने मुझे वस्त्र ना दिए, मैं रोगी और बंदी गृह में था तुम मुझसे भेंट करने ना आए। तब वे भी उत्तर देंगे, प्रभु भला कब हमने आपको भूखा प्यासा परदेशी वस्त्रों की जरूरत में या रोगी तथा बंदी गृह में देखा और आपकी सुधि ना ली। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, सच तो ये है कि जो कुछ तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक के लिए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे तक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। ये सभी अनंत दंड में भेजे जाएंगे, किंतु धर्मी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे।